गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय और एक समाज सेवी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को कॉलेज में 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों के कोविड टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। कैंप में 45 साल के ऊपर के नागरिकों ने सोशल डिस्टेंस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तत्पश्चात अपना वैक्सीनेशन करवाया, जिसके संबंध में गंगोत्री देवी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला ने बताया कि 45 साल के ऊपर के नागरिकों को वैक्सीनेशन कराने में हो रही असुविधा को देखते हुए इस कोविड टीकाकरण केंद्र का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि यहां पर 45 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है। यह कैंप 3 महीनों तक चलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गंगोत्री देवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला तथा IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, श्रीमती रीना त्रिपाठी जी, रोटरी क्लब का मोदी जी, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका आपके साथ हमारे गोरखपुर में, हमारे देश में, हमारे विश्व में ये महामारी फैली है, उसका केवल हम केवल एक ही इलाज है, वो है से ही शुरू किया गया है कि कितने वर्ष के लोगों का पूरा लगभग यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है वो जो 45 प्लस से एबव लोग हैं उनका हो रहा है और ये लोग बाहरी लोग हैं। ये समाज सेवा की दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसको गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की तरफ से प्रबंध तंत्र ने ऑर्गेनाइज किया है और रोटरी क्लब युगल का भी इसमें सहयोग है। मुख्य योगदान जो है इस कार्यक्रम में हमारे कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उनकी जो पत्नी धर्मपत्नी है श्रीमती रीना त्रिपाठी जी, उनका योगदान रहा है और उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। कितने दिनों तक कैंप चलेगा? 3 महीने तक करीब कैंप चलेगा।
मैं डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव, IMA का प्रेसिडेंट गोरखपुर। आज जो है वैक्सीनेशन का यहाँ पे भी एक सेंटर बनाया गया है, जिसमें 18 से लेके 45 साल और ऊपर भी अगर कोई छूट गया है तो उसको यहाँ वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पूरे देश में एक टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, और हमारा ये प्रयास है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो सकें, जिससे हमारा पूरा समाज स्वस्थ हो सके। और ये जो टीकाकरण की बार बार डरते रहते हैं कि साहब तीसरी लहर आने वाली है, चौथी लहर आने वाली है, दूसरी लहर आके चली गई, अगर हम टीका समय से समाप्त कर लेंगे तो इन आगे आने वाले टीकाकरण का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होगा। तभी सक्सेसफुल होगा जब तीसरी लहर को हम बहुत सीमित तरीके से रोक सकें, बहुत कम में रोक सकें। जितना ज़्यादा टीकाकरण होगा उतना ही लहर कम होगी, उतना ही उसकी सीवियरिटी कम होगी। इसलिए सभी से अनुरोध यही है, IMA के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस टीका को ज़रूर 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 लगवाएँ। ये अभी जो है स्वास्थ्य की टीम यहाँ निर्धारित करेगी कि यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, और अगर आगे भी रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे तो उसमें हम जो है और लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे।